हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हो टेक चैनल को, स्वागत है आपका समय टेक वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले रियलमी 2 के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो दैट बीइंग सेड, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं रियलमी 2 इंडिया में लॉन्च हो गया है 28 अगस्त को। ये वीडियो थोड़ी डिले हो गई है, सो सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले बात करते हैं रियलमी 2 के डिस्प्ले के बारे में। तो इस बार आपको देखने को मिल जाएगा 6.20 इंचेस की एक HD पैनल डिस्प्ले, जो कि अगर पिक्सल काउंट की बात की जाए तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 720x1520 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन एक IPS LCD डिस्प्ले के साथ। और अगर बात करते हैं इसके कैमरास की, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा रियर में डुअल रियर कैमरा कॉम्बिनेशन, जो कि होगा 13 MP प्लस 2 MP का कैमरा कॉम्बिनेशन। और बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 8 MP का फ्रंट कैमरा। और बात करते हैं इसका अलग अलग रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स की, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 3GB रैम एंड 4GB रैम वेरिएंट। और अगर स्टोरेज वेरिएंट्स की बात की जाए तो इसमें आपको देखो दो अलग अलग स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, जो कि होंगे 32GB इंटरनल स्टोरेज एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज। और अगर बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, जो कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई थी, तो इस बार आपको देखने को मिलेगा इसमें एक 1.8 GHz का स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर, जो कि हमारी सारी उम्मीदों को तोड़ देता है रियलमी 2 के साथ में। बात करते हैं ये फ़ोन ओवरऑल कैसा है, तो मेरे हिसाब से रियलमी 1 रियलमी 2 के मुकाबले बेटर है, क्योंकि उसमें आपको देखने को मिल जाता था एक फुल HD पैनल, और साथ ही में रियलमी 2 में आपको देखने को मिलता है एक HD पैनल। पता नहीं कंपनी ने इसके रेजोल्यूशन को क्यों कम कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया। और साथ ही में आपको प्रोसेसर भी कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं रियलमी 1 में आपको देखने को मिल जाता था हीलियो P60, जो कि मीडियाटेक का हीलियो P60 प्रोसेसर, जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर था स्नैपड्रैगन के 450 से। और अगर बात करते हैं रियलमी 2 के बारे में, तो रियलमी 2 में मुझे एक ही बात सबसे अच्छी लगी, क्योंकि इस बार कंपनी ने इसमें प्रोवाइड किया एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि रियर माउंटेड है। तो पिछली बार जो रियलमी 1 में फिंगरप्रिंट मिसिंग था, कंपनी ने इस बार फिंगरप्रिंट प्रोवाइड किया है, तो ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है रियलमी 2 के साथ में। और अगर बात करते हैं आपको ये फ़ोन परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि अगर आप एक पबजी फ़ैन हैं और आपने मोबाइल में पबजी खेलना चाहते हैं, तो आपको रियलमी 1 के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि रियलमी 1 में आप पबजी खेल सकते हैं हाईएस्ट ग्राफिक पे। और वहीं जहां आप रियलमी 2 में आप सिर्फ मीडियम और लो सेटिंग्स पर ही पबजी खेल सकते हैं। तो अगर आप पबजी फ़ैन हैं तो आपको रियलमी 1 के साथ में जाना चाहिए, ना कि रियलमी 2 के साथ। सो गाइस, ये रहे आज के वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी अमेजिंग टेक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।